शास्त्रीपुरम ए ब्लॉक निवासी जगत नारायण रावत पिछले कुछ दिन से घर से लापता हैं। जगत नारायण के परिवारजनों ने थाना सिकंदरा में उनके लापता होने की सूचना दी। इसके बाद भी थाना पुलिस उन्हें तलाश नहीं पाई है। इससे परिवार के लोग काफी परेशान हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर 85 वर्ष के वयोवृद्ध जगत नारायण रावत की है। शास्त्रीपुरम ए ब्लॉक 114 मकान नंबर निवासी रावत 29 नवंबर से घर से लापता है। परिवार के लोगों ने वृद्ध की गुमशुदगी की सूचना थाना सिकंदरा में दर्ज करा दी है। इतने दिन बाद भी पुलिस वृद्ध को तलाश नहीं कर पा रही है। इससे परिवारीजन खासा परेशान है। उनका नाम जगत नारायण रावत है उनका नाम, और वो दिनांक 29/11/2023 को दिन बुधवार था, सुबह 9:30 बजे यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ से बैठ करके टेम्पो वगैरह में या किसी में चले गए हैं। और जब से जैसे हमें मालूम पड़ा है, हम लोग सब ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूरे घर के परिवार के रिश्तेदार सभी लगे हुए हैं उस दिन से, और हमने थाने में गुमशुदगी भी लिखाई है, लेकिन अभी तक कोई सूचना कैसी भी प्राप्त नहीं हुई है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। मेरा सबसे निवेदन है कि हमारे बाबा हैं, उनका फोटो देखें, और जिनको भी इनके बारे में कोई भी कैसी भी जानकारी हो तो हमें अविलंब सूचित करें। 29 तारीख इससे पहले भी कभी इस तरह से घटना हुई कहीं गए वो? और पहले हुई थी हाँ, एक बार सिकंदरा पे मिले थे जी हम भाई, हमारे जो लड़का है भतीजा, वो उधर से गाड़ी में आ रहे थे, वो रास्ता में मिले थे। अभी कोई सुराग नहीं लगाया? अभी उनका कोई सुराग नहीं है, 7 दिन हो गए। जगत नारायण रावत की नातनी रुद्राक्षी रावत ने बताया कि उनके दादा की मनोदशा ठीक नहीं है। रुद्राक्षी रावत ने सी न्यूज के दर्शकों से अपील की, अगर किसी भी व्यक्ति को उनके दादा मिल जाएं तो वह उनके मोबाइल नंबर 9581538433 और 9358513676 पर सूचित करें। हाँ, उनकी याददाश्त जा चुकी है, वो बिल्कुल भी ना तो ये बता पाते कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अगर उनसे कोई ज़्यादा पूछेगा तो वो अपना नाम बताएंगे, और बार बार पूछेगा कौन सा गांव है कौन सा गांव, तो बताएंगे कि वो कुपथरी से हैं, वो भी ये नहीं बताएंगे। मिल जाएं जल्दी से जल्दी, अगर किसी को दिखें तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है या तो उन पर 7017909562। जो कोई भी व्यक्ति जगत नारायण रावत को परिवार के लोगों तक पहुँचाएगा, परिवार उस व्यक्ति को उचित इनाम देगा। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।